वेलकम RCI ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला टॉपिक जो था वो भी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वी और ई से संबंधित। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास वी और ई में संबंध था। एक तो ई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर इंटू आर कैप, इससे संबंधित हमने सवाल कर लिया था। अब हमारा एक और ई और वी का संबंध है, वो है ई बराबर माइनस का डेल वी। ठीक है, इसमें क्या था, ई बराबर माइनस डेल को हम लिखें तो हमारे पास आ जाता था डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ऑफ डेल वाई वी जे कैप और डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो हम सवाल देखते हैं पहले और फिर देखते हैं कि क्या ज्ञात करना है। यदि विद्युत विभव दे रखा है आपको, यह विद्युत विभव है V बराबर 10 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक समीकरण दे रखी है एक्स वाई जेड में। तो बिंदु 1 1 1 निर्देशांक आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड के, एक्स पर भी एक, वाई पर भी एक और जेड पर भी एक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ध्यान दें कि V से E ज्ञात करना है और V और E में ये संबंध है, तो बताओ कौन सा सूत्र लगाएं। देखो, जब R के रूप में हो तो E का सूत्र ये बनेगा, जब V R के रूप में हो, लेकिन ये R के रूप में नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि क्या जो ये वाला संबंध है इसमें V जो है वो एक्स वाई जेड रूप में दे रखा है, तो हम इस सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आपके पास है E बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप एंड डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको। V आपको दिया है V बराबर 10 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान दें, हमें डेल वी बाई डेल एक्स, यानी कि डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब x के सापेक्ष जो V है उसका अवकलन। एक हम ज्ञात करेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, यानी कि वाई के सापेक्ष अवकलन, और एक हम ज्ञात करेंगे डेल वी अपॉन डेल जेड, क्योंकि हमें एक तो चाहिए डेल वी बाई डेल एक्स, एक चाहिए डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, तो पहले डेल वी बाई डेल एक्स याद करते हैं, तो 10 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये समीकरण है, इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करना है डेल ऑफ डेल एक्स, और v की जगह आ जाएगा 10 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, अवकलन करेंगे तो ध्यान होगा आपके अवकलन के सूत्र। मैंने कहा था कि 11वीं में कि जब भी x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो जो जहाँ पर x है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और जहाँ x नहीं है वो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर x है, इसका मान तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा y, और 10 गुणा में है। ठीक है, तो पहले गुणा कर दीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले गुणा कर देते हैं, तो आपके पास आएगा डेल ऑफ डेल एक्स, गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 10 एक्स वाई प्लस 10 वाई जेड और प्लस 10 एक्स जेड। ठीक है, आप अवकलन कर दीजिए, तो 10 एक्स का तो हो जाएगा 1, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास 10 वाई प्लस, यहाँ एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, जहाँ एक्स नहीं है वहाँ 0, और यहाँ पर x है तो आपके पास आ जाएगा 10 x का हो जाएगा 1। ठीक है, आपको ध्यान होगा d ऑफ डी एक्स x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, x की पावर अगर 1 है तो। ठीक है, और यहाँ से 1 हो जाएगा 10 z आ जाएगा। अरे क्लियर, आप निर्देशांक, ये डेल v अपॉन डेल x का मान आ गया, निर्देशांक आपके पास है 1 1 1, तो x की जगह भी 1 रख देंगे, y की जगह भी 1 और z की जगह भी 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा,
दस वाई की जगह भी एक रखेंगे, दस गुणा एक प्लस दस गुणा एक, क्योंकि तीनों के निर्देशांक एक एक है, तो आपके पास आ जाएगा बीस, दस और प्लस दस बीस, तो डेल वी बाई डेल एक्स क्या आया आपके पास बीस। क्लियर है? अब अपन निकाल देते हैं डेल वी बाई डेल वाई, वाई ज्ञात करेंगे तो इधर कर देते हैं हम वाई ज्ञात, तो डेल वी बाई डेल वाई ज्ञात करते हैं तो वो ही डेल अपॉन डेल वाई, और v का मान ये रहा तो इसको गुणा कर दो, तो 10xy प्लस 10yz प्लस 10xz, ठीक है? हाँ जी, तो y के सापेक्ष करेंगे तो y का तो हो जाएगा 1, और जहाँ y नहीं है उसका 0, y कहाँ नहीं है इसमें यहाँ, तो ये तो 0 हो जाएगा बाकी सभी, तो डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू यहाँ y का 1 तो यहाँ से बचेगा 10x प्लस यहाँ y का 1 तो 10z और ये 0। निर्देशांक रखो एक 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 निर्देशांक रखेंगे तो डेल वी बाई डेल वाई 10 गुणा एक प्लस 10 गुणा एक, तो आपके पास आ जाएगा डेल वी बाई डेल वाई 20, ये भी 20 आ गया। अब आप निकाल देते हैं डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल जेड तो ये आ जाएगा डेल ऑफ डेल जेड, हाँ जी ये वी का मान ये रहा तो 10 एक्स वाई प्लस 10 वाई जेड और प्लस 10 एक्स जेड, तो भाई जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो जेड के सापेक्ष जहाँ जेड नहीं है उसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ जेड नहीं है तो ये तो 0 हो गया, बाकी जेड का 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा डेल वी बाई डेल जेड, यहाँ से आ जाएगा 10y, जेड का तो 1 हो गया और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 10x। क्लियर है? जेड का 1 हो गया। आप निर्देशांक रख दो, निर्देशांक एक एक है तो डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू 10 गुणा वाई की जगह भी 1 प्लस 10 गुणा एक्स की जगह भी 1, तो डेल वी बाई डेल जेड आपके पास आ जाएगा 20, यानी कि डेल एक्स ऑफ डेल डेल वी बाई डेल एक्स ये भी 20, डेल वी बाई डेल वाई ये भी 20 और डेल वी बाई डेल जेड भी 20, ठीक है? तो आप देखो सारे मान यहाँ रख देते हैं इस वाले समीकरण में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारे मान रख दो, ठीक है? तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सब 20-20 रख देते हैं सबकी जगह, तो आ जाएगा e बराबर माइनस बाई डेल वी बाई डेल ये भी 20 आई कैप और ये भी 20 जे कैप और यहाँ भी डेल वी बाई डेल जेड ही 20 के कैप, ठीक है? माइनस अंदर जाएगा तो e बराबर आपके पास आएगा माइनस 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, सॉरी ये माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा 20 के कैप, ठीक है? ये आ गया आपके पास विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में। अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछता तो अभी यहाँ तो केवल विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ये आ गई सदिश रूप। परिमाण पूछता तो परिमाण के लिए ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो परिमाण में ध्यान देना, अंडर रूट कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा 1200 बाई दो 20 का स्क्वायर 400 और फिर 20 का स्क्वायर 400 फिर 400 1200 हो गए ना टोटल 400 800 1200, ठीक है? तो 1200 क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 4 का अंडर रूट 2 और 10 का तो गुणा 10 और अंडर रूट में 3, तो आ गया 20√3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है? क्लियर? तो इस तरह से अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछता है तो परिमाण कुछ नहीं करना, ये जो आई जे और के दे रखा है इन सबको क्या करना पड़ेगा, अपने को परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने का ये फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास परिमाण निकालने का फॉर्मूला था 11वीं में, आर सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह का समीकरण है, तो उसका परिमाण कैसे ज्ञात करते थे, आर का परिमाण इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान है क्या, आई कैप का जो है उसका स्क्वायर, आई कैप के पास जो एक्स है उसका, यानी एक्स का मतलब कोई भी संख्या, तो यहाँ पर आई कैप की जब 20 है तो 20 का स्क्वायर फिर 20 का स्क्वायर फिर 20 का स्क्वायर, ठीक है? तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, आपको समझ में आ गया होगा, और जो वीडियो हमारे चल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।